क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ऋचा जौहरी है। हम जानना चाहेंगे स्वास्थ्य की नज़र से कैसा भोजन जरूरी है। स्वास्थ्य की नज़र में हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स सारी चीज़ें उसमें हों। प्रोटीन क्या करती है? प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग का काम करती है, हमारा जो भी अगर कोई चोट वोट लग जाती है तो उसको हीलिंग में हेल्प करती है। फैट क्या करते हैं? ये हमें गर्मी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। और विटामिन्स और मिनरल्स ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जिससे हमारी रोगों से लड़ने की ताकत और क्षमता बढ़ जाती है। तो हमें हमेशा ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें ये सारी चीज़ें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स सब कुछ हो। प्रोटीन के खाने में आपको क्या करना है कि कम से कम एक दिन में 250 ml दूध ये ले लीजिए, या फिर आप एक कटोरी भर के दही ले सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को दूध नहीं पचता है तो वो दही ले सकते हैं। और इसके साथ प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है दालें। दालें, सोयाबीन, बीन्स, इस तरह का खाना आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, ये हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। तो इसमें हमें सारे अनाज जितने भी हो गए, जैसे गेहूं, चावल, इन सब में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये भी हमें पूरे दिन की एक्टिविटी के लिए कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरी रहता है। और फैट क्या करते हैं? जैसे घी, तेल, ये हमें गर्मी प्रदान करते हैं और हमारी और सेल्स के डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। और विटामिन्स और मिनरल्स ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होते हैं। तो हमें खाना हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों। पर आजकल जैसे देखा गया है कि लोग बाहर का खाना, जंक फूड, फ्राइड फूड, इस तरह का फूड है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और बच्चों में तो ये बहुत कॉमनली देखा गया है कि जिसकी वजह से क्या होता है, चाइल्डहुड ओबेसिटी बढ़ गई है। और लोगों में भी जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये आजकल बहुत आम समस्याएँ देखने को मिलती हैं। और जो लेडीज़ हैं जो इस तरह का खाना खाती हैं, उनमें इनफर्टिलिटी तक की प्रॉब्लम्स देखी गई है। क्योंकि एक बार जब वेट बढ़ जाता है तब सारे पीरियड्स एबनॉर्मल हो जाते हैं और उसके बाद इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो आपको करना क्या है कि सारी चीज़ें हों पर एक बैलेंस्ड डाइट हो, बैलेंस्ड फॉर्म में हो, उसमें जंक फूड, बाहर का खाना, फ्राइड फूड ये सारे ना हों। क्योंकि ये सारा खाना पचाने में बहुत मुश्किल होती है और इससे क्या होता है, फिर कभी कभी पेट ख़राब हो जाता है या इंडाइजेशन हो जाता है या फिर वॉमिटिंग जैसी लगने लगती है। क्योंकि इस तरह का खाना जब बच्चे खाते हैं तो ओवर ईटिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम सामने आती हैं। और जैसा कि आजकल देखा जा रहा है कि इतना कोरोना भी बढ़ रहा है, तो हमें अपने आप को फिट रहना है जिससे हमें किसी भी तरह की और इमरजेंसी का सामना ना करना पड़े, कोई और बीमारी हमें ना हो। इसके लिए हमें इंटरनली फिट रहना ज़रूरी है। फिज़िकल के साथ साथ हमें मेंटल फिटनेस पे भी ध्यान देना चाहिए। मेंटल फिटनेस में भी आपको योगा, मेडिटेशन, आप ये भी कर सकते हैं। क्योंकि जब हम फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह से फिट रहेंगे तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं और तभी हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ सकती है। तो हमें खाना ऐसा खाना चाहिए जो पचने में आसान हो, लाइट खाना हो, घी, तेल, मैदा, शुगरी फूड, फ्राइड फूड ये सब बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। और इसके साथ साथ विटामिन सी जो इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल है, तो हमें करना क्या है कि रोज़ सुबह एक गिलास गुनगुने पानी में नींबू डाल के ये ज़रूर पीना है, जिससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। तो चलिए आज का टॉपिक मैं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच।